मिसेस निकिता ही है, सीईटी खत्म हो चुका है एंड मैक्सिमम पीपल आर इंटेंशन ऑफ टेकिंग एन एडमिशन। लेकिन जब एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि शैल आई गो फॉर एमएमएस और शैल आई गो फॉर पीजीडी। तो मैक्सिमम लोगों ने हमको कॉल करके पूछा कि अभी जो आप नेक्स्ट वीडियो बनाओगे तो उसमें आप एमएमएस एंड पीजीडीएम का डिफरेंस कवर अप कीजिए। ओके, तो ऑन दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट वी आर मेकिंग द वीडियो विच विल कवर द एंटायर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन एमएमएस एंड पीजीडीएम। ओके, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो अगर आप बात करोगे तो आप कहाँ भी जाइए, मुंबई, पुणे और पूरे इंडिया में, तो आपको स्पेसिफिक एमबीए करना होगा। लेकिन जब आप कॉलेज में पहुँचते हो तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एमबीए करना है, एमएमएस करना है एंड पीजीडीएम करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। तो नो नीड टू टेक वरी। ओके, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एमबीए नाम का डिग्री आपको पूरे जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस है वहाँ पे थोड़ा कम लेवल में मिलेगा, वहाँ पे आपको फेस करना पड़ेगा आइदर एमएमएस और पीजीडीएम और पीजीपीएम। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में सजेशन है कि यू शुड अवॉइड पीजीपीएम बिकॉज इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय एआईसीटी। तो आप सोचोगे व्हाट इज एआईसीटी, तो एआईसीटी इज अ पेरेंट बॉडी जो पूरे गवर्नमेंट ने एक फॉर्म किया है कि जो जहाँ भी एमबीए का कॉलेज, इंजीनियरिंग का कॉलेज, जो भी टेक्निकल कोर्सेज के कॉलेज चलेंगे उसको परमिशन देने का काम एआईसीटी करता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ओके, तो यू हैव टू फोकस ऑन टू कोर्सेज ओनली, आइदर एमबीए और एमएमएस एंड पीजीडीएम। अब इसमें बाइफर्केशन का पार्ट अगर आप देखोगे तो एमएमएस और एमबीए ये जो आपको डिग्री मिलता है वो यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड करता है, मतलब यहाँ का जो पोर्शन होता है वो यूनिवर्सिटी बनाती है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं कि जिनको ऑटोनॉमी लेने में बहुत इंटरेस्ट होता है और उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया होता है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑटोनॉमी। एग्जांपल आईआईटी, ओके, विजेटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इन कॉलेजेस ने ऑटोनॉमी लिए। तो इस कॉलेजेस से अगर आप एमबीए अगर करते हो एंड तो उस पर्टिकुलर एमबीए को बोला जाएगा पीजीडी, फुल फॉर्म इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट। ओके, बट उनका जो कोर्स होता है वो अफिलिएटेड होता है एआईसीटी, मतलब डायरेक्टली पेरेंट बॉडी ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के सिलेबस से एमबीए पूरा करोगे उसको बोला जाएगा एमएमएस, अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेज से एमबीए पूरा करोगे उसको बोला जाएगा एआईसीटी या पीजीडी। ओके, आई होप दिस मस्ट हैव क्वांटिटी क्लैरिटी। अगर आप कोर्स की बात करोगे, ड्यूरेशन की बात करोगे, तो ये 2 साल का कोर्स है, ये भी 2 साल का कोर्स है, इट इज़ नॉट मेजर बाइफर्केशन। लेकिन अगर आप सेमेस्टर पैटर्न को देखोगे तो एमएमएस में 2 साल में होता है 4 सेमेस्टर, पीजीडी में 2 साल में होता है 6 सेमेस्टर। ओके, 1 साल में 2, 1 साल में 3, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस में कभी कभी ये थोड़ा कंप्रेस करके 4 सेमेस्टर भी कवर अप करते हैं, पर मेजरली 6 सेमेस्टर ही होगा। पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ट्रेडिशनल पैटर्न है, बिकॉज यूनिवर्सिटी बहुत टाइम से फॉलो करते आ रही, थोड़ा चेंजेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इट्स क्वाइट ट्रेडिशनल पैटर्न। लेकिन आप पीजीडीएम की बात करोगे इट्स क्वाइट अपग्रेडेड पैटर्न, बिकॉज जीएसटी आ गया। ओके, कुछ नए चेंजेस हो गए, स्विगी जोमेटो का कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो नया नया जो चीज़ें अगर आपको स्टूडेंट्स को सीखना होगा तो रातों रात चेंजेस पीजीडीएम में हो सकता है। ओके, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो ऑफकोर्स ये फ्लेक्सिबल इतना पोर्शन नहीं होता जितना पोर्शन पीजीडीएम का फ्लेक्सिबल हो सकता है। कास्ट की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज आप नॉर्मली महाराष्ट्र के कॉलेजेस की बात करेंगे तो हर कॉलेजेस में 120 सीट्स होता है, 120 का आधा सीट कास्ट को देना मैंडेटरी है इन एमएमएस। तो जब ये ओपन कास्ट की फी होती है 3 to 6 लाख के बीच में, वहाँ पर ओबीसी की फी आधी हो जाती है, एससी एसटी की हार्डली 50,000 to 1 लाख के बीच में सीमित हो जाती है। तो ये पूरा आपको बेनिफिट्स कहाँ पर मिल सकता है एमएमएस, और वही तीनों कैटेगरी कास्ट एंड ओपन अगर पीजीडी में आती है तो वहाँ पे कुछ भी कास्ट का बाइफर्केशन आपको मिलेगा नहीं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन विच स्टूडेंट्स कैन टेक द डिसीजन वेदर आई वांट टू गो फॉर एमएमएस और पीजीडी। फीस की बात करेंगे तो फीस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे अफोर्डेबल फीस है, मिडिल क्लास पीपल जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे कैन आल्सो थिंक ऑफ डूइंग एन एमबीए फ्रॉम एमएमएस, वहाँ पे आपको लोन आपका एसेट मिल जाए तो आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन पीजीडीएम की बात करेंगे तो थोड़ा सा फीस एज कम्पेयर टू एमएमएस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जिनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है वही यहाँ पे जाने का सोच सकते हैं। ओके, आई होप विद दिस ऑल पॉइंट्स आई मस्ट हैव गॉट क्लैरिटी अबाउट एमएमएस एंड पीजीडीएम। तो अभी यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसा है कि शैल आई गो फॉर एमएमएस और पीजीडीएम, इसका कुछ बाइफर्केशन कॉर्पोरेट इसको डिफरेंशिएट करता है कि नहीं। ऑफकोर्स कॉर्पोरेट इसमें कुछ भी डिफरेंशिएशन करेगा नहीं, वेदर यू आर एमएमएस पर्सन और वेदर यू आर पीजीडीएम पीपल। तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका सीईटी मार्क्स कितना आ रहा है, ओके, आपको कस्टमर कॉर्पोरेट ओरिएंटेड सिलेबस सीखना है कि ट्रेडिशनल ओरिएंटेड सिलेबस सीखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपना डिसीजन फाइनल ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको वीडियो मेरे से चाहिए तो आप नीचे वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।